किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया, कृषि कानून से सुधार आने की उम्मीद। अमेरिकी प्रशासन ने अपने बयान में लिखा, गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय बाजार को मजबूत करने वाले कदमों का समर्थन। विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को दी गई जानकारी, सरकार की तरफ किसान प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत जारी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसानों के एक छोटे तबके को सुधारों से परेशानी। लगातार बढ़ता जा रहा है पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर विवाद, क्रिकेट और बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने किया ट्वीट का विरोध, बताया भारत के मामलों में दखल। क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लिखा, असहमति के दौर में हम सब एकजुट रहे, मामले का हल निकलेगा। सचिन तेंदुलकर ने भी साधा विदेशी प्रोपेगेंडा पर निशाना, लिखा भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं, एकजुट रहे देश। सुरेश रैना ने लिखा, हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, नहीं बटेंगे और बाहरी ताकतों से नहीं होंगे विचलित। अनिल कुंबले ने कहा, एकजुट रहेगा भारत, हर अंदरूनी मामला सुलझाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सक्षम। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा कुछ ग्रुप अपने स्वार्थ और एजेंडे को लागू करने के लिए कर रहे हैं कोशिश, ये निहित स्वार्थ समूहों का खेल है। रिहाना के ट्वीट पर गृहमंत्री पर उसका पलटवार, अमित शाह ने लिखा, कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। रिहाना के ट्वीट के बीजेपी ने बताया इस ट्वीट को साजिश, कहा हिंदुस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने रिहाना के ट्वीट पर टिप्पणी से किया इंकार, कहा यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। भारत के किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हो सकती है चर्चा, 1 लाख लोगों ने दायर की है पेटिशन। विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट, कहा भारत में अपने मुद्दों को सुलझाने की काबिलियत है, हर भारतीय का सिर गर्व से रहता है ऊंचा। रिहाना को कंगना रनौत ने दिया जवाब, कहा हम तुम लोगों की तरह देश बेचने वाले नहीं है। रिहाना ने किसान आंदोलन पर किया था ट्वीट, लिखा था इंटरनेट ठप है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, किसान मुद्दे पर विरोध का एक्शन प्लान, विरोध से डरकर ट्वीट किया डिलीट। किसान आंदोलन पर कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किया ट्वीट, लिखा इंटरनेट बंद होने को लेकर उठाए सवाल। रामपुर जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हापुड़ रोड पर हुआ हादसा। किसान आंदोलन में मरने वाले नवनीत के घर जा रही है प्रियंका, अंतिम अरदास में होंगी शामिल। मृतक नवनीत के परिवार से मिलेंगी प्रियंका, कई और बड़े नेता रहेंगे साथ। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी रामपुर के नवनीत सिंह की मौत, आंदोलन में शामिल होने कनाडा से आया था युवक। कांग्रेस समेत किसान नेताओं का दिल्ली पुलिस पर आरोप, नवनीत को गोली लगने से हुआ था ट्रैक्टर हादसा। आंदोलन वाले तीनों बॉर्डर्स के करीब बंद है इंटरनेट सेवा, आसपास के स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सुरक्षा इंतजामों ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुश्किल, न किसी के जाने की इजाजत है और न ही किसी के आने की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने निकाला वक्त बिताने का तरीका, चौसर खेल रहे हैं आंदोलनकारी। टेकरी बॉर्डर पर बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम, सीमेंट बालू और कांटेदार तार से तैयार की गई है बैरिकेडिंग। सड़क पर जवानों की तैनाती, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत। जींद की महापंचायत में किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा अभी तो बिल वापसी की बात कर रहे हैं, गद्दी वापसी की बात करेंगे तो क्या होगा। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। जींद की महापंचायत में राकेश टिकैत ने दोहराई किसान कानून की वापसी की मांग, बोले टिकैत अब सीधे प्रधानमंत्री से बात करें। महापंचायत में रखा गया स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव, किसान बोले एमएसपी को मिले कानूनी दर्जा। जींद की महापंचायत में दिखी जबरदस्त भीड़, ज्यादा लोगों के जमा होने की वजह से धंस गया मंच। चौरी चौरा कांड की 100वीं सालगिरह पर होंगे कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शुरुआत। बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा पर हो सकता है सियासी टकराव, ममता सरकार से नहीं मिली इजाजत। ममता सरकार ने स्थानीय प्रशासन के पास जाने की दी नसीहत, बीजेपी ने कहा था इजाजत नहीं मिलेगी तो कोर्ट जाएंगे। परिवर्तन रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका दायर, शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई।
शनिवार को राज्य में शुरू होनी है रथ यात्रा, जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी, एक महीने में हर विधानसभा 60 क्षेत्र जाने की रणनीति। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते छाए हैं घने बादल, मौसम विभाग के मुताबिक ओले गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल, धरौली, मुखबा और सुक्की में बर्फ की फुहारें। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद, उत्तरकाशी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, 24 घंटे तक बर्फ गिरने का अनुमान। औली में फरवरी की सर्दी का खत्म, बढ़ती ठंड के चलते छात्रकुंड का पानी पाले में तब्दील। औली में रात का तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे, जम चुके हैं झरने। चमोली के जंगलों में लगी है आग, प्रशासन के लिए काबू पाना मुश्किल। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का दौर, लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर व्यापारी का पैसा छीनने का आरोप, थाने में दर्ज कराई गई FIR। मेरठ में जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 30 नकली फर्म बनाकर 42 करोड़ की चोरी। नासिक में निफाड़ गांव में किसानों ने पकड़ा तेंदुए का बच्चा, सेल्फी लेने की होड़। सवाई माधोपुर के बैंक में हंगामा, दो महिलाओं ने गायब कर दिए बुजुर्ग के पैसे। एयर शो में आज होगा इंडियन ओशन रीजन कॉन्क्लेव, 28 देश करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री ने दिया दुनिया के हथियार निर्माता कंपनियों को न्योता, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव। HAL के साथ सरकार की तेजस डील पक्की, 48,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे 83 तेजस। बेंगलुरु में शुरू हुआ एयरो इंडिया शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की देश के दुश्मनों को सावधान रहने की हिदायत, कहा अपनी सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम है भारत। एयरो शो में पहली बार शामिल हो रहा है राफाल, देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी दुनिया की निगाहें। छपरा में रुपेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रोडरेज के बाद हुआ था कत्ल। रुपेश के परिवार वालों ने पुलिस की थ्योरी को किया खारिज, कहा टक्कर मारने वाले से नहीं हुई थी रुपेश की बात। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा फरार। दिल्ली में 85 लाख की नकदी लेकर फरार नौकर गिरफ्तार, नेपाल में रेस्टोरेंट खोलने का था इरादा। हाजीपुर में बैंक से 44 लाख की लूट का मामला सुलझा, लुटेरे गिरफ्तार। सीकर में नगर पालिका चुनाव के बाद उम्मीदवारों को एक जगह रखने का कदम का विरोध, पत्थरबाजी और मारपीट की आई नौबत। रायबरेली में फर्जी महाधिवक्ता गिरफ्तार, डीएम से कर रहा था एक मामले की पैरवी। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत से निकला करीब 14 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। रांची में अजालेज धरने पर पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, नौकरी से निकालने का विरोध। गोपालगंज में ऑनलाइन गेमिंग के दौरान लेन देन को लेकर विवाद, 14 साल के बच्चे का कत्ल। गोपालगंज में युवती की लाश बरामद, कत्ल के बाद नहर में फेंकी गई थी लाश। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े सड़क से छात्र को किया अगवा। एमपी के अशोकनगर में कार शोरूम में लगी आग, शोरूम के ऊपर आयकर विभाग का दफ्तर चपेट में। जोधपुर में नाबालिग से रेप, गर्भवती होने के बाद दरिंदगी का खुलासा। बस्ती में कच्ची शराब के खिलाफ जोरदार मुहिम, भट्टियों को तोड़ा गया, कई तस्कर गिरफ्तार। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीदों से चंदा उगाही, जौनपुर में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार। नोएडा में बदमाश बेखौफ, ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। कोयंबटूर में दरियादिल महिला पेश कर रही है मिसाल, भूखे लोगों को देती है मुफ्त बिरयानी। इंदौर की लड़की टैलेंट से लोग हैरान, महज 11 साल की उम्र में प्रतिभा ने पास की 10वीं की परीक्षा। लुधियाना में दूसरे दौर का कोविड वैक्सीनेशन शुरू, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा है टीका।